नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से मातृ पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो गाना सीखने जा रहे हैं वो गाना है माता पिता के ऊपर बनी। गाने के बोल हैं, ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। दोस्तों, इस गाने के लिए खास फरमाइश किए हैं छत्तीसगढ़ से सुरेश साहू जी, जो कि एक स्कूल शिक्षक हैं। मुझे लगा कि स्कूल के बच्चों के लिए या कोई कार्यक्रम के लिए उन्हें ट्यूटोरियल की जरूरत हो रही हो, इसलिए मैं भी एक म्यूजिक टीचर होने के नाते इस गाने का ट्यूटोरियल बनाना एक प्रकार से मेरा दायित्व भी बन गया। और इस गाने के फरमाइश के लिए मैं सुरेश साहू सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसी बहाने ये प्यारा सा भजन को सभी को सीखने का मौका मिल रहा है। तो आइए फटाफट इस गाने को सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सरगम समझ लेते हैं। इस गाने को हम यहां पर सी शार्प स्केल से प्ले कर रहे हैं, यानी कि काली एक भी कहते हैं इसको। सा रे ग, ग शुद्ध है, म प ध। इस गाने में कोमल नी का प्रयोग है और सा आगे तार सप्तक हाई नोट रे ग म प, और इधर लो ऑक्टू यानी कि मंद्र सप्तक, नी कोमल ध और प। वैसे तो इस गाने को बहुत से सिंगर्स अलग अलग स्केल में गाए हैं, लेकिन हम यहां पर इस गाने को सी शार्प यानी कि ये स्टैंडर्ड स्केल है, यहीं से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इस गाने में जो स्टार्टिंग म्यूजिक है वहां से स्टार्ट करेंगे। ये म्यूजिक जो है पियानो टोन में है, लेकिन हम यहां पर अकॉर्डियन टोन में प्ले कर रहे हैं। पहले मैं लाइन को प्ले करते जाऊंगा, उसके बाद नोटेशन के साथ स्लो तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। इसका पहला पार्ट ऐसा रहेगा, ये सा से स्टार्ट होगा इस तरीके से, सा रे ग रे, उसके बाद सा ग रे, फिर सा ग रे, ऐसा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट यहां से प्ले करना है, ये कोमल नहीं है मंद्र सप्तक का। जिनको स्केल और सरगम की नॉलेज है वो नोटेशन को समझते हुए प्ले कीजिए, और जो बिल्कुल नए नए सीख रहे हैं वो मेरे उंगली के चलन को समझते हुए प्ले करें। इसके बाद यही पूरे म्यूजिक को आपको अलाप के साथ प्ले करना है, ऐसा। इसके बाद गाने का स्थाई स्टार्ट हो जाती है। इसकी पहली लाइन है, मुझे इस दुनिया में लाया, ये लाइन जो है मंद्र सप्तक के पस से स्टार्ट होगा और कोमल नहीं, ऐसा। फिर सा में आपको 5 बार प्ले करना है, फिर रे ग और रे, ऐसा। इसके बाद की लाइन, मुझे बोलना चलना सिखाया, ये सेम ऐसे ही प्ले होगा। लेकिन इस पे सा आपको एक्स्ट्रा प्ले करना है, ऐसा। इसके बाद ओ मात पिता तुम्हें वंदन, ये लाइन सा से स्टार्ट होगा। फिर से देखिए, इसके
इसके बाद की लाइन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये लाइन भी सा से स्टार्ट हो रही है। एक बार फिर से स्लो में समझते हैं। यहां पर हम जो लाइन पहले प्ले किए हैं, कई कई सिंगर उस लाइन को बाद में गाया है, तो आप उसके हिसाब से लाइन को ऊपर नीचे करके प्ले कर सकते हैं। ये पूरे लाइन आपको डबल रिपीट करना है। और इसके बाद इस गाने में एक म्यूजिक पार्ट आती है, इसको हम समझ लेते हैं। ये लाइन को हम अलग अलग पार्ट में प्ले करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ऐसा रहेगा। यहां से सा से प, फिर यहां डबल लेके, एक बार फिर से, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट यही से रहेगा। पास से आपको नी पे जाना है। ऐसा इसके बाद इसका तीसरा पार्ट। लाइन कोमल नी मंद्र सप्तक से प्ले होगा ऐसा। इसके बाद यहां से, एक बार फिर से समझते हैं। इसके बाद इस गाने का अंतरा मरवानी स्टार्ट हो जाती है। इसकी पहली लाइन है, मैं जब से जग में आया। इस लाइन में हमको ग से प्ले करना है। फिर रे, म और ग, यानी टोटल यहां पे ग जो है 5 बार प्ले होगा। इसके बाद की लाइन, बने तब से ही शीतल छाया। ये लाइन ग से स्टार्ट होगी, म फिर प पे जाएंगे, फिर से समझते हैं। इसके बाद की लाइन, कभी सहलाया गोदी में। इस लाइन में ध को 5 बार प्ले करना है। एक बार और समझते हैं। इसके बाद की लाइन, कभी कंधों पे है बिठाया। यहां से प्ले करना है, म से, ऐसा रहेगा। इसके बाद की लाइन, मेरे सर पर हाथ रख कर।
ये लाइन तार सप्तक के साथ से प्ले होगा। इसके बाद की लाइन है बस प्यार ही प्यार लुटाया। इस लाइन को ध से प्ले करना है। एक बार फिर से देखिए। इसके बाद ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, आपको फिर से रिपीट करना है। और दोस्तों इसके बाद की जो अंतरा है उसे सेम टू सेम अंतरा नंबर वन के जैसे ही आपको मिलाते हुए प्ले करना है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।